अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ एडवोकेट रिगो खोखर। आई एम हियर विद स्टार अलीगोर चैनल। नो वेरी वेल दैट वी आर स्टडिंग और रीडिंग लागेट सीरीज। सो टुडे आवर वीडियो इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन पब्लिक इंटरना इट इज़ सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज़ ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वी आवर टॉपिक इज़ यूनाइटेड नेशन। It is just not helpful for the student of the Laggett. It is helpful for every person, every man who is preparing for judicial exam, who is a lawyer, who is preparing for competitive exam, who is preparing for any kind of the exam. UNO, United Nations Organization, is very, very important topic. So let's get started. So UNO, United Nations Organization, was met on it are you know United Nations Organization Charter was signed on 26th June 1945. United Nations Charter जो है 26 जून 1945 को साइन किया गया। अब ये साइन क्या मतलब, जब ये बना था ना, बनने की ये डेट है, कब बना था, 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर बना था। एग्जैक्टली जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, किसकी, यूएन चार्टर की। तो इसका पर्पस हम आगे चल के बताते हैं, थोड़ा अभी इसका जो है स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है। तो उसके बाद ये इन्फोर्स कब हुई भाई, इस पर अमल दरामद कब हुआ, ये इन्फोर्स कब हुई दुनिया में, उस ये जो है 25 अक्टूबर 1945, इट वॉज कम इन टू फोर्स 25th October 1945। ये 25 अक्टूबर 1945 को इन्फोर्स हुई, ठीक है। उस वक़्त फर्स्ट टाइम देर वार जस्ट 51 मेम्बर्स ऑफ यू एन ओ इन 25 अक्टूबर 1945 के वक़्त यू एन ओ के जो पहले फाउंडिंग मेम्बर थे वो 51 मेम्बर थे। उसके बाद आजकल जो हमारे पास टोटल मेम्बर हैं, नाउ एडेस वी हैव टोटल मेम्बर्स आई थिंक 193, आई थिंक नहीं, इट्स कम्प्लीट कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, टोटल मेम्बर नाउ वी हैव 193, इस वक्त हमारे पास यू एन ओ के मेम्बर्स हैं। उसके बाद कितनी जो लैंग्वेजेस हैं यू एन ओ के, जो कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, यू एन ओ की चाइनीज़ है, फ्रेंच है, रशिया है, स्पैनिश है, ठीक है, कितने, स्पैनिश, रशियन, इंग्लिश और चाइनीज़ है। उसके बाद जो फ्लैग है, आप लोग स्क्रीन पर जो फ्लैग देख सकते हैं, इसका यूएनओ का फ्लैग है, आप लोगों ने देखा होगा, खासकर स्पेशली और पाकिस्तानी पीपल ड्यूरिंग द फ्लड दे सपोर्टेड अस लॉट। तो यूएनओ ने हमें बहुत सपोर्ट किया सैलाब के दौरान, आप लोग फ्लैग देख सकते हैं, झंडा। तो पर्पज़ क्या है यूएनओ का, यूएनओ का जो मेन पर्पज़ है टू कीप पीस, अमन को कायम रखना। दूसरा जो मकसद है, जो मुल्क बैंक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उस मुल्क को, उस मुल्क की हेल्प करना। अगर बहुत ही ज़्यादा दिवालिया ख़त्म हो जाता है तो उस मुल्क को यूएनओ ले लेती है, और उस जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो यूएनओ को अंडर रहता है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, यूएनओ को तीसरा जो मकसद है ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। उसके बाद हमारे पास है सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, जो सामाजिक प्रोग्रेस है उसको बढ़ाना। उसके बाद है फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप को यूएनओ का मकसद है कि वो उनको बढ़ाएं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कब बना, 1900, यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है 26 जून 1945 को साइन हुआ, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाएगी। इसके जो मकसद हमने बयान किया, इसकी ज़रूरत यह थी कि उस वक्त बहुत बड़ा जानी माली नुकसान हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, तो इसलिए यूएनओ की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद 25 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ इन्फोर्स हुआ। इसके उस वक्त के जो मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर जिनको कहा जाता है, वो 51 मेंबर थे। उसके बाद इस वक्त जो हमारे पास टोटल मेंबर हैं 194 हैं। उसके बाद हम इसके पास लैंग्वेज हैं, अरबिक है, रशियन है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पैनिश है, ठीक है। फ्लैग आप लोग जानते हैं पर्पस क्या है, टू कीप पीस है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए,
ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स इंसानी जो हकूक हैं उनको प्रमोशन दो, उनको प्रमोट करे, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाए, और उसके बाद जो मुल्क बैंक्रप्ट होता है उनकी मदद करें। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, मैंने कोशिश की है इजी से इजी बनाऊं आप लोगों के लिए। शुक्रिया, अल्लाह।